ये है गंगोत्री धाम। हिमालय की गोद में बसा यह गंगोत्री धाम, जी हाँ, यहाँ विराजती है माँ गंगा। आका तीज को दर्शन खुलते हैं गंगोत्री धाम के और दीपावली के दिन दर्शन बंद होते हैं माँ गंगा के इस गंगोत्री धाम के कपाट के। ये जो सफेद मंदिर देख रहे हैं, सफेद मार्बल का मंदिर है। चारों तरफ आप देखिए, ये जो पीछे की पहाड़ियां देख रहे हैं, ये गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख की है, जहां माँ गंगा का उद्गम स्थल है। माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने की एक कहानी है। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और इस यज्ञ का घोड़ा जो था इंद्र ने चुरा लिया था। इंद्र को डर था कि राजा सगर यदि कामयाब हो गए तो उनका सिंहासन डोल जाएगा। इंद्र ने वो उनका जो घोड़ा था उसे चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाकर उस घोड़े को तलाश करो। सारे पुत्र उसके घोड़े की तलाश में निकल गए। कपिल मुनि के आश्रम के अंदर वो घोड़ा बंधा हुआ दिखा। कपिल मुनि साधना तपस्या में लीन थे। राजा को उसके पुत्रों ने कपिल मुनि को बहुत अपशब्द कहे, अभद्रता की गालियां दी। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद उन्होंने उनके 60,000 पुत्रों को वहीं कपिल मुनि के आश्रम जो गंगा सागर के पास स्थित है वहीं भस्म कर दिया। इसके बाद शुरू होती है ईश्वर की आराधना। जैसे पुराणों में लिखा है, गंगा को जब धरती पर अवतरित करने की बात आई, गंगा का वेग इतना तेज था कि यदि वो धरती पर आती तो काफी कुछ नुकसान हो चुका होता। ऐसे में भगवान शिव को राजी किया गया और भगवान शिव में की जटाओं में गंगा को अवतरित किया गया और भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट खोली और यहाँ से गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख धाम पर वो लट उन्होंने खोली और गंगा वहाँ एक छोटी सी गुफा नुमा द्वार से बहती हुई निकली। पत्रिका.com के लिए पुरुषम शर्मा की रिपोर्ट।